हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टेक्निकल ब्रांच में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि यदि आपका कोई भी पुराना से पुराना फ़ोटो यदि गलती से डिलीट हो जाता है तो आप उसको कैसे अपने फ़ोन में दोबारा रिकवर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास है देखना, क्योंकि दोस्तों यदि आपका कोई ऐसा प्राइवेट फ़ोटो है जो आप अपने फ़ोन में बहुत दिनों से रखे थे और गलती से दोस्तों यदि आपका जो फ़ोन है फॉर्मेट हो गया, या आपने अपने फ़ोन को रीसेट कर दिया, या आपने उस फ़ोटो को डिलीट कर दिया और आपका फ़ोटो आपके मोबाइल से डिलीट हो चुका है और आप उसको दोबारा ढूंढना चाह रहे हैं लेकिन वो आपको मिल नहीं पा रहा है, ऐसे में दोस्तों आप क्या करेंगे। ऐसे में दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ जिसकी मदद से दोस्तों आप पुरानी से पुरानी 2 साल 4 साल 5 साल पुरानी अगर फ़ोटो अगर आपकी इस मोबाइल से अगर डिलीट हो गई है तो उसको आप दोबारा रिकवर कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों यदि आपको यह सारी जानकारी चाहिए कि किस तरीके से हम अपने पुराने से पुराने फोटो को दोबारा रिकवर करेंगे तो दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देख लीजिए। दोस्तों आप समझ जाइएगा कि कैसे यह सारा काम हमें करना है। तो दोस्तों सारा समय ना वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और जानते हैं कि किस तरीके से हम किसी भी पुराने फोटो को अपने फोन में दोबारा रिकवर कर पाएंगे। इस ट्रिक को अपने फ़ोन में यूज करने के लिए सबसे पहले आपको इस वीडियो को यहां से करना होगा लाइक और यहां से दोस्तों आप शेयर कर दीजिएगा। और आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी के बगल में घंटी की बटन है, इस घंटी के बटन को आप दबा दीजिएगा और यहाँ पर ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर में दोस्तों आपको क्लिक करना होगा और उसके बाद में आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की ओर जाना है। नीचे की ओर जाने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स है, इस कमेंट बॉक्स में दोस्तों आपको एक कमेंट करना है, जैसे कि दोस्तों नाइस, ऑसम या आप अपना नाम लिख सकते हैं ताकि हमें पता चल जाए। और मैं आपके कमेंट को दोस्तों यहां से दोस्तों लाइक करता हूं और यहां से दोस्तों हट देता हूं। तो यह सारा काम करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना होगा जिसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। वहां से जाकर आप इस एप्लीकेशन को दोस्तों डाउनलोड कर लीजिएगा और करने के बाद में दोस्तों इस एप्लीकेशन को आपको करना होगा ओपन। जैसे दोस्तों आप उस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्ट बेसिक फ़ोटो स्कैन, इस वाले बटन पर दोस्तों आपको सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों परमिशन को अलाउ करने के लिए कहेगा तो आपको सिंपली यहां से इस परमिशन को अलाउ कर देना है। थोड़ी देर दोस्तों क्या होगा कि ये ऑटोमेटिक रिकवर होने लगेगा, आपके जितने भी फ़ोटो हैं दोस्तों ऑटोमेटिक रिकवर लेने लगेगा। तब तक दोस्तों आपको वेट करना है। यहाँ पर देखिए जितने भी फ़ोटो हैं, यहाँ पर दोस्तों जितने भी फाइल हैं, यहाँ पर ऑटोमेटिक देखिए आपका अपने फ़ोन में रिकवर कर रहा है। जब तक रिकवर नहीं कर लेता है तब तक यहाँ पर ये जो गोल चल रहा है इसको चलने दीजिएगा। जब रिकवर हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाता हूँ, तब तक दोस्तों आप इसे वेट कीजिएगा। तो दोस्तों आपके सामने ऐसा इंटरफेस दिख रहा है, आपको यहाँ पर देखने को सेटिंग का ऑप्शन मिल रहा है, इस सेटिंग वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और करने के बाद में आपको अपने सारे फाइल को छोटा करना है यानी कि स्मॉल पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर स्मॉल का ऑप्शन है, इसके ऊपर मैं क्लिक करके दोस्तों आपको यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ये देखिए दोस्तों जैसे ही ओके पे किए क्लिक तो आपके बहुत सारे पुरानी पुरानी फोटो आपको यहाँ पर जो मैंने अपने फ़ोन से डिलीट कर दिया है ये सारे फ़ोटो दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पर बहुत सारी फ़ोटो आपको यहां पर दोस्तों जो डिलीट हुई है आ जाएंगी। यदि दोस्तों इसमें से आप किसी भी फ़ोटो को यदि दोबारा रिकवर करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर जो बॉक्स दिखाई दे रहा है इस बॉक्स वाले बटन पर दोस्तों आपको सिंपली करना क्या है, ऐसे क्लिक कर देना है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा और क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ रिकवर का ऑप्शन आ रहा है, ध्यान से देखिए। इस रिकवर वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपको दोबारा आपके फ़ोन गैलरी में ये फ़ोटो देखने को मिल जाएगा। तो और अगर आपको इसको डिलीट करना है हमेशा के लिए तो यहाँ से दोस्तों आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों मुझे रिकवर करना है तो मैंने यहाँ पर इस फ़ोटो को अपना ले लिया, अगर ये भी फ़ोटो हम लेना चाहते हैं तो इस पर भी क्लिक कर देंगे, करने के बाद में रिकवर वाले बटन पर हम क्लिक कर देंगे, करने के बाद में इस तरीके का ऑप्शन आएगा। यहाँ से दोस्तों आपको कहाँ पर अपलोड करना है ये देख लीजिए, तो मैं इसको दोस्तों अपना जो सेव करना है तो मैं इस वाले फाइल में सेव करूँगा, तो यहाँ पर मैंने इसको सेव पे क्लिक कर दिया और यहाँ पर दोस्तों आपको एक फाइल नेम पर सिलेक्ट कर लेना है, करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है।
ये देखिए दोस्तों, मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पर लिख दिया दो फाइल हमारा जो है रिकवर हो गया, सक्सेसफुल हो गया। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से हम नो थैंक्स पर भी क्लिक कर देंगे, यानी हमने नो थैंक्स कर दिया। वो जो मैंने दो फोटो को रिकवर किया था वो अब हमारा फ़ोटो हमारे फ़ोन की गैलरी में दोस्तों अब देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों आप फ़ोटो को रिकवर कर सकते हैं। आपने जो भी फ़ोटो को रिकवर किया है आप गैलरी में जाकर ढूंढिएगा, जो भी फ़ोटो आपको यहां से डिलीट हो गया था आपका वहां पे गैलरी में सेव हो गया होगा और आप उस फ़ोटो को दोबारा इस तरीके से वापस ले सकते हैं। आई होप दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ ही गए होंगे किस तरीके से हमें ये सारा काम करना है। दोस्तों मैं अब आपको उस एप्लीकेशन का नाम बता देता हूं कि उस एप्लीकेशन का नाम क्या है। दोस्तों प्ले स्टोर पर जाना है और जैसे ही प्ले स्टोर पर जाइएगा तो आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। आप यहाँ पर उसकी लोगो देख सकते हैं जिसका नाम है डिगर फोटो रिकवरी। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ये सारा काम आप कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में।